हाँ तो किसान भाइयों, जैसे धान की फसल के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रोडक्ट, और पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट हम ये लोग यूज़ करते आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ठाकर केमिकल कंपनी के एक प्रोडक्ट बर्बरिक के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, बर्बरिक के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ कि बर्बरिक जो प्रोडक्ट है ये क्या करता है, क्या इसके फायदे हैं, कौन सी फसलों के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसके अंदर खास बात है, क्या जो इसको एक खास बनाती है क्या इसके अंदर वो बात है, कितने डोज में इस्तेमाल करना है, कितने रुपये की आपको पड़ती है। तो ये तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अभी से लाइक करना है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त रामेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। किसान साथी, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं ठाकर केमिकल कंपनी के एक प्रोडक्ट बर्बरिक के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, सबसे पहले बता दें कि ये क्या है, ये एक इंसेक्टिसाइड है। जी हाँ किसान भाइयों, ये एक काफ़ी अच्छा इंसेक्टिसाइड है। वैसे तो जो ये टेक्निकल है, इसके अंदर क्लोर एंट्रानेलीप्रोल 0.4% GR फॉर्मुलेशन में ये होता है। वैसे तो ये टेक्निकल मार्केट के अंदर पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसके अंदर खास बात क्या है, ये आइसोमर अप्रूव्ड है। जी हाँ किसान भाइयों, आइसोमर अप्रूव्ड होने के कारण औरों के मुकाबले इसके रिजल्ट 15 दिन ज़्यादा है। जी हाँ किसान भाइयों, कंपनी का ये दावा है कि जो पहले से मौजूद हैं उनके मुकाबले 15 दिन ज़्यादा काम करती है ये चीज़। अब देखिए, जैसे ये फसल आप लोग देख पा रहे हैं, इसके अंदर गोब के कीड़े की समस्या आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए पत्ता सूख रहा है, और इसके अंदर भी आप लोग जैसे देखेंगे तो एक ये देखिए यहाँ पे जैसे कि गोब के कीड़े के कारण ये पत्ता सूख चुका है। तो हम अपनी फसलों के अंदर 20 दिन के बाद पत्ता लपेट या गोब के कीड़े के लिए हम लोग जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो आप लोग अपनी धान की फसल के अंदर गोब के कीड़े और पत्ता लपेट के लिए बर्बरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, किसी रेते या मिट्टी में मिला के बर्बरिक का यूज़ कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए आप लोग। आपकी धान की फसल के अंदर से पत्ता लपेट गोब के कीड़े को कंट्रोल करने का काम करती है बर्बरिक। तो किसान भाई, अब बात करें कि कौन सी फसलों के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए धान की फसल के अंदर तो मैंने आपको बता दिया, अन्य फसलों की बात करें तो इसके अंदर आप लोग इसका इस्तेमाल अपनी गन्ने की फसल के अंदर, मक्के की फसल के अंदर, वैसे तो लगभग हर फसल के अंदर इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं कीटों की रोकथाम के लिए। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कीटों को ये कंट्रोल करता है। पत्ता लपेट, गोब का कीड़ा और जड़ के कीड़े को ये कंट्रोल करने का काम करता है। आप जिस भी फसल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर पानी होना बहुत ही जरूरी है। खेत में पानी भर के मिट्टी या रेते मिला के इसका छिंटा लगा दीजिए, 1.5 घंटे के अंदर 30 मिनट के अंदर अंदर ही अपना काम करना शुरू कर देती है बर्बरिक। जी हाँ किसान भाई, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, वैसे तो टेक्निकल मैंने जैसे कि आपको बताया, अप्रूव्ड बाई आइसोमर है इस जो चीज इसको खास बनाती है। तो किसान भाई, बात कर लेते हैं इसकी डोज की। तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका यूज करना है अपनी, अगर किसी भी फसल के अंदर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब जैसे धान की फसल के अंदर पत्ता लपेट गोब के कीड़े के लिए 20 दिन के जब हमारी फसल हो चुकी है, तो इसके अंदर बर्बरिक 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग यूज कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो किसान भाइयों, बर्बरिक के प्राइस की बात करें तो 700 से 750 रुपये 4 किलोग्राम की जो पैकिंग होती है मार्केट के अंदर आपको मिल जाती है। तो यही सब था किसान भाइयों ठाकर कंपनी के एक नए प्रोडक्ट बर्बरिक के बारे में। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई सवाल हो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो को अपने किसान भाइयों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।